छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कब आ रहा है गुल्लू? हाँ हाँ मैं लड्डू को भेज दूंगी। अरे भाई मिठाई वाले लड्डू नहीं, लड्डू मेरे दामाद का नाम है, बेफिक्र हो जाओ। बस ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, लड्डू चला जाएगा गुल्लू को लेने। अल्लाह हाफिज लड्डू। जी 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 मम्मी जी। अरे इधर आके बात सुनो ना जी। लड्डू मेरी ना एक कजन है, उसकी शादी बेचारी की गांव में हो गई थी। अरे है उसका शोहर ना उसे गांव में छोड़ के अल्लाह को प्यारा हो गया। मम्मी जी मैं समझ गया। क्या समझ गए? यही कि आप एक ऐसी फिल्म बना रही हैं जिसका हीरो होऊंगा मैं। जी नहीं। अच्छा अच्छा समझ गया, आप उनसे मिलने गांव जा रही हैं और हम पीछे से घर का ख्याल रखें। बिल्कुल नहीं, मेरी उस कजन का बेटा है गुल्लू, वो गाँव से कराची आ रहा है और तुमने उसको लेने के लिए स्टेशन जाना है। गुल्लू ये कैसा नाम है? जैसा लड्डू है और कैसा। अच्छा मम्मी जी मैं मुँह हाथ धो के जाता हूँ। जी नहीं, पहले झाड़ू पूरी करो। अरे कौन सा स्टेशन पर आ जाएगी ट्रेन वक्त पर, काम चोर कहीं का। चलो झाड़ू दो। अच्छा। अरे वो वहां से भी तो साफ करें। सुबह से 6 दफा कर चुका हूँ वहां साफ, पता नहीं कैसी सफाई करते, हर चीज तो मट्टी में अटी पड़ी है। अरे बेगम आने वाले ने कोनों में घुस के गर्द मट्टी का ऑडिट थोड़ी करना है। गुलाम जितना कह रही हूँ ना बस उतना करें। अच्छा आ कौन रहा है? मेरी कजन का बेटा आ रहा है गाँव से। गाँव से? कौन से गाँव से? उकाड़ा चकढाई से। उकाड़ा चकढाई? चकढाई अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते ना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता होती। चलिए सफाई कीजिए। रगड़ रगड़ के मिट जाएंगी दीवारें, मिट जाएंगी। मिट जाएंगी, गंद मचा रखा है। आजा 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 सीधा सीधा आजा आजा। ओ वाह लड्डू भाई वाह, बड़ा सोना घर है लड्डू भाई। है जी? ए, 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 यहाँ रख यहाँ ठीक है। अरे लड्डू तुम गुल्ली को घर तक लेकर आ गए, गुल्लू कहाँ है? अरे मम्मी जी यही है गुल्लू, और गुल्लू जी ये है आपकी खाला तानी बेगम। अस्सलामुअलैकुम तानी खाला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? देख नहीं रही, अजीब सा है। तानी खाला आ की चीज है? गुल्लू बेटा ये तुम्हारे खालू हैं, गुलाम। ओए खालू 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 खालू। अरे तेरे भैया भैया हाय हाय। अबे ओ भाई हाय। अबे अबे तू बात सुन, अबे तेरा नाम गुल्लू है तो इसका मतलब ये नहीं है तू यहाँ पर भी तोड़ फोड़ करके जाए। लड्डू ये सारा सामान तुमने गुल्लू से क्यों उठवाया? वो मम्मी जी। और रहन दे लड्डू रहन दे। तानी खाला ये सामान उठाना शहरी लड़कों का काम नहीं है। गुल्लू बेटा इससे मिलो ये ना। ओ बस बस तानी खाला मैं समझ गया, ये आपका है छोटा बेटा, शहर में रहने की वजह से ना इसने लंबे बाल छाल रखे। ओ आजा पागल हो गया क्या? ओ गुल्लू ये मेरा बेटा नहीं है, ये बेटी है मेरी। बेटी पैंट शर्ट में? गुल्लू भाई शहर में लड़के ऐसे ही ड्रेसिंग करती हैं, आपको कुछ नहीं पता? तो फिर लड़के जो है शहर में दुपट्टा शुपट्टा लेते होंगे, हैं भाई लड्डू? हैं? अभी तक ये रिवाज शादी ब्याह की तकरीबात तक महदूद है। लेकिन तुम खड़े हुए क्यों हो, बैठो ना। है इधर नहीं सोफे पे बैठो, शाबाश। अच्छा। है क्या हुआ है? तानी खाला ए सोफा है की है, दलदल तो नहीं आएगी, मैंने अंदर खींच रहा है। अरे गुल्लू बेटे मैं बता रहा हूँ कैसे बैठते हैं। ए क्यों होया आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? गुल्लू भाई आपकी चप्पलें
वो जी मैंने सुना जी वो शहर में आके ना चप्पलें चोरी हो जाती है। तानी बेगम, किसी भी हरकत से ये आपका रिश्तेदार नहीं लग रहा। सही कहा सर जी, आपका लग रहा है। सही कह रहे हैं, आपका लग रहा है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। अल्लाह का शुक्र है हम लोग सब ठीक ठाक है। तो फिर ये मरीजों वाला खाना क्यों बनाया है? मरीजों वाला खाना? ओ हाँ ना, ऐ देख छोटी छोटी सूखी सूखी रोटियाँ, कोई देसी घी का तड़का नहीं सालन में, कुछ नहीं। यहाँ खेत नहीं है, घर में रहकर ही खाना हजम करना पड़ता है। और ये तो कोई बात ना हुई ना खालू, इस तरह के खाने खा कर ना आप सब बीमार पड़ जाएंगे। गुल्लू भाई, आप जिस तरीके का खाना खाते हैं ना वैसी मेहनत भी करते हैं, हम लोगों के लिए यही खाना अच्छा है। और ये भी कोई जिंदगी हुई लड्डू, सुबह का नाश्ता ना मैं आप सबके लिए अपने हाथों से बनाऊंगा और फिर देखना आपको पता चलेगा कि देसी नाश्ता होता क्या है। सच्ची? मैं तो कहूंगा दोपहर का खाना भी आप बनाए, रात का खाना भी आप बनाए, दिन रात खाना आप बनाए। और मैं तो कहता हूँ आप रुक जाए हमेशा के लिए। गुलाम लड्डू, अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? घर आए मेहमान से काम करवाएंगे? बेगम वो असल में एक आदमी रजाकाराना तौर पे बनने के लिए तैयार है। मेरा मतलब है कि खाना बनाने के लिए तैयार है तो फिर क्या इतराज है? बिल्कुल नहीं, गुल्लू घर का कोई काम नहीं करेगा, बस कह दिया मैंने। चलिए खाना खाइए। ओ गलत नाश्ता खैर है, मैं बना लूंगा। चल ठीक है। भाई क्या कर रहा है भाई ये? खालू मैंने कहा ना नाश्ता मैं बनाऊंगा। अरे खुदा का वास्ता भैया, रहम कर ले हम पे भाई। अगर बेगम ने देख लिया ना तो सारी जिंदगी के लिए हमारे नाश्ते पर पाबंदी लग जाएगी यार। खालू कुछ नहीं होता, जाओ जाके आप सबको उठाओ जाओ। खालू क्या पागल हो गया भाई, 7 बजे अभी सिर्फ। क्या बात कर रहे हो खालू, 7 बज गए, 1 घंटा हो गया। जाओ खालू उठाओ सबको, नहीं तो मैं फिर लत्ता खींचूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं खुद जाता हूँ उठाने। अरे यार, अरे यार। ओ खालू कोई नहीं, रोला नहीं पाओ, जल्दी उठाओ। 7 बज गए सी। अल्लाह जी ला, गरम गरम पराठे, गरम गरम पराठे, वाह जी वाह, ओए होए हाथ चल रहा है। ओए मैं अपने हाथ से लड्डू भाई को लगा के दूंगा। ये ले लड्डू भाई आपके लिए। और नहीं तू भी कुछ खाया कर, ये खा मेरी बहन। ओ खालू ये आपके लिए ना 4 पराठे। मगर ये सब 1 हफ्ते में तो खराब हो जाएगा ना। 1 हफ्ता? हाँ, क्योंकि इतना सारा खाना तो हम 1 हफ्ते में ही खाते हैं गुल्लू भाई। हाँ गुल्लू भाई, यहाँ बैठ कर मिलजुल कर कोई बात कर लेते हैं, कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा, क्योंकि ये सब एक साथ हमारे पेट में उतरने वाला है नहीं। इनकी हालत तो देखे, आपको लगता है 4 पराठे इनके अंदर जा सकते हैं? खाला जी तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप, यारे लोग किसी की मोहब्बत घर में दिला देते हैं। नहीं नहीं गुल्लू बेटा, उदास ना हो। गुलाब लड्डू चलें पराठा खाएं, और हनी बेटा तुम भी कोशिश करो। गुल्लू बेटा मेरी ना ऑफिस में बड़ी ज़रूरी मीटिंग है तो मैंने वहाँ पहुँचना है, हैं ये मैं ना वापस आके खा लूँगी, ठीक है? बल्कि गुलाब गुलाब कौन? आप ऐसा करें कि मेरे लिए ना पराठा और वो जो अंदर साग रखा हुआ ना वो पैक कर दें, मैं ऑफिस में जाकर खाऊंगा। मैं भूल गया सी। ठहर जाओ बस मैं चलती हूँ। और हाँ आप लोग कान खोल के सुन लें, गुल्लू की ना हर बात माननी है, ठीक है गुल्लू बेटा? अच्छा अल्लाह हाफिज। ओ बस बस भाई आखिरी है। ओ जी अब आएगा असल मजा तो, ले जी ले। अब ये क्या है भाई? ओ भाई यहाँ तो हवा जाने की भी गुंजाइश नहीं है, तू ये ले आया? ओ फिक्र ना करे लड्डू भाई, ये है लस्सी, नाश्ता हजम करने के लिए, वो भी पेड़े वाली। पेड़े वाली लस्सी नेड़े ना ला। ओ पेड़े वाली लस्सी और नहीं और नेड़े ना, थोड़ी नेड़े ना लाई, पेड़े वाली लस्सी नेड़े ना लाई।
चलो भाई चलो, जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं ना वैसा वैसा करते जाना है तुम लोगों ने। चल शाबाश लड्डू, डंड मार डंड मार डंड, शाबाश बैठ बैठ, चल शाबाश शाबाश, सीधा आजा लड्डू तेरी में। ये जान जान के क्या कर रहा है ये देखे, लड्डू सही से करो शाबाश। 500 501। ओ शामा भाई शामा, लड्डू तेरे से अच्छी तो हड़ी है। 504। अच्छा सौ। ओ लड्डू, ओ लड्डू, ओ लड्डू। ओए इधर आओ लड्डू, इधर आओ, चलो इधर आ। हे एक सेकंड, ओ भाई ये कौन सी रे, अरे अरे तक हेलो डॉक्टर, मैं भी गया सी। मैं तो मर गया। ये जो गुल्लू है ना, ये जालिम पहले खिला खिला के मार देता है, और फिर हम सबको भगा भगा कर सिर्फ अल्लाह पूछेगा। ओ ओ ओ अल्लाह 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 अल्लाह, अम्मी अम्मी, ओ अबे तुझे तुझे अल्लाह ही पूछेगा गुल्लू। हेलो, ओ हेलो जी, बोलते क्यों नहीं हो? हेलो कौन? और जी पहले क्यों नहीं बोल रही थी आप? ओए तनी खाला, ओए तनी खाला, मैं गुल्लू। हाँ जी हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ तनी खाला। तनी खाला कोई मुझे घास ही नहीं डालता, सब अपने अपने कमरों में जाके सो रहे हैं। हाँ तनी खाला, वो मैंने ना समंदर देखना है। हैं? अच्छा ठीक है तारी खाला, अच्छा। ओए लड्डू, ओए लड्डू किधर है? ओए खाला, ओए खालू, ओए लड्डू। जी जी जी, मैं मंजूर। ओके जी ठीक है, अच्छा हो जाएगा, हाँ फिक्र ना करी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके मम्मी जी, अल्लाह हाफिज़। तो सर जी, मम्मी जी कह रही हैं कि गुल्लू को लेकर बाहर जाएं, समंदर की सैर कराएं, वापसी पे शॉपिंग कराएं। बात सुनो, फोन पे दिए गए अहकामात को नहीं मानता मैं। हाँ अच्छा, हाँ खालू ये चीटिंग है। उठाइए। कौन, क्यों? उठाइए। मैं अहकामात आए हैं। हेलो जी 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 बेगम, अच्छा बेगम, सही है बेगम, ठीक है बेगम, नहीं 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 बेगम, नहीं नहीं, हाँ हाँ आप फिक्र नहीं करें बेगम, मुझे लड्डू ने सब बता दिया है। दिखाएं, आए हाय निशानी पड़ गया। क्यों माँ से चमाट मारी है मुझे क्या? क्या जी बातें कर रहे हो? ओ लड्डू आ जा, ओ मजा आ गया यार आज तो, मजा आ गया कसम से, वाह वाह वाह, आहा क्या समंदर था भाई, वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह जी शान, अल्लाह जी शान, आ जी आ मजा आ गया जी, वाह जी वाह, आ जाओ आ जाओ खालू, बैठ जाओ आगे, बैठ रहे हैं भाई, बैठ रहे हैं। आ गए आप लोग, बताए ना क्या सारा समंदर? हाँ जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत ही मजा आया समंदर से ना, दिल खुश हो गया मेरा तो। वो जी मैं आप लोगों के लिए ना देसी घी में आलू भरे और मूली भरे पराठे बना के लाता हूँ। यूं गया यूं आया, बड़ी भूख लगी है जी, बड़ी भूख लगी। अबे क्या घर का मालिक है ये, अभी गया अभी आया। तुम्हें पता है नहीं, समंदर देख के ऐसा पागल हो गया था, ऐसा दीवाना हो गया था, लगता है कि पानी की मखलूक खुश्की में आ गई। अबे वहां घोड़े वाले का घोड़ा लेके चला गया, उसने पुलिस बुलवा ली। फिर क्या, आधे घंटे बाद आया घोड़ा लेके वो। छोड़े ना पापा, पुलिस से तो जान छुटी ना, बस ये सोचिए जान छुटी,
अरे आधे घंटे सुसर जी और मुझे मुर्गा बनाकर ऐसी आवाजें दिलवाई कि दो मोहल्ले दूर तक सुनी होंगी सबने। वापसी में शॉपिंग मॉल ले गए शॉपिंग कराने के लिए, वहां बड़ी इमारत देख के कह रहा अबे इतनी बड़ी इमारत, अबे गिर गई तो क्या होगा, भागो भागो भागो। अरे भैया माफ अंदाजा हो गया, गुनाहों की सजा कभी कभी दुनिया में ही मिलती है। अच्छा ना पापा छोड़िए सब, एक काम कीजिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत थक गए, तो एक काम कीजिए जाइए जाके खाना बनाइए, खुद भी खाइए और मुझे भी खिलाइए क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जाइए। वो गया है ना देसी घी में आलू और मूली के पराठे बनाने के लिए, वही खाएंगे वो भी चार चार। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी वो सब। अब तो यही होगा। अबे कुछ कर लड्डू यार कुछ कर भैया, अगर एक दिन भी और रुक गया ये तो हम सब हैजे से मर जाएंगे। सुसर जी इसको भगाने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या 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 इधर आओ। अरे यार एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, आईडिया में पैसे लगेंगे 10,000। 10,000 तेरे आईडिया फेल ही इसलिए होते हैं कि इसमें पैसे बहुत लगते हैं। नहीं भाई नहीं, मालूम हो गया मुझे कि मेरी जिंदगी मेरी मौत इसी तरह लिखी है भैया। अच्छा अच्छा बस पापा मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, एक काम करती हूँ मैं जाती हूँ और वो पैसे लेकर आती हूँ। अरे आप पैसे लाइए, देखिए कैसे रफू चक्कर होता है यूं करके। हाँ तो दे दूंगी ना पैसे, रुक तो जाओ। अरे अभी लेकर आओ, नहीं भगाना जाओ। हाँ हाँ ला रही हूँ, मगर हाँ इस पागल को भगाना पड़ेगा। हाँ जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ ना पूरे 10,000 रुपए पूरे ला रही हूँ। हाँ भाग जाएगा, आपको हैजा नहीं होगा, फिक्र नहीं करें, नहीं मरेंगे आप। सिर्फ मुझे नहीं होगा। हाँ सबको हैजा होगा। अच्छा ये बता मुझे बुलाया क्यों है? अबे यार तू चाकू लेके घर में घुसना और उसको लूटने के बहाने ना डरा के घर से भगा देना, बाकी भरम मैंने इसमें लिख दी इसी के हिसाब से उसको भरम कराने। अबे तू फिकर ही नहीं कर, तेरे भाई ने बड़ा बड़ा को भगाया। मेरे भाई ने? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। अबे यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। तो तू मेरा भाई है? अबे यार दोस्त भी तो भाई होता है ना। फिर मुझे पता है तू अपने भाई का मसला समझ के ना उसे इस परेशानी से निकाल देगा। हाँ तू फिकर ही नहीं कर, निकाल 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? अभी तो तूने कहा तू मेरा भाई है। देख भाई धंधे में कोई भाईबंदी नहीं है, वैसे तो तेरे लिए मेरी अपनी जान भी हाजिर है, पता है? अच्छा ये ले ये 5,000 रुपए, अभी इससे काम चला ले। अबे सिर्फ 5,000? यार यार लड्डू पहले भी तेरे 6,000 रुपए निकलते तेरे ऊपर। यार बात सुन, अगर काम करना है तो कर, वरना धंधे में मैं भी भाई और बाप नहीं देखता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बस रख लिया मैंने, बस ठीक है, बस इसको याद करके आना और इसी के हिसाब से भरम कराना उसको। हाँ ठीक है। उठो उठो तो यार लड्डू सुन दे यार। अबे उठो बात मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात देख देख कैसा ना कर, देख आवाजें मत लगा सबको, सब आ जाएंगे उठ के, मेरी इज्जत बात सुन। तू मुझे मारेगा बड़ा बदमाश, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? काला ये हमारे घर में ना डकैती करने आया था, और जो ना ये मुझे कतर करने की धमकी भी दे रहा है, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लड्डू जल्दी करो पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, हो सके बेचारे की कोई मजबूरी है, जाने देना प्लीज। और नहीं छोड़ना नहीं है खाला, ये कह रहा था कि इसने 99 कत्ल किए और ये सवाना मेरा कत्ल करेगा। हेलो जी बेग साहब, हाँ आप जल्दी से नफरी लेके हमारे घर आ जाए, हमने बड़ा खतरनाक चोर और कातिल पकड़ा हुआ है। जी जी फौरन पहुंचे हमारे घर। जी ठीक है, आप पकड़ के रखेंगे उसे। शराफत से बता तू किसके लिए काम करता है, मैंने वरना तेरी मंडी तोड़ देनी है। मुझे माफ कर दे, मुझे मैंने जो कुछ किया कुछ लड्डू कहने पे किया, इसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। ये तो सारी गड़बड़ हो गई, अम्मा तो आपकी आने वाली थी, ये तो मम्मी जी की अम्मी आ गई। अब सही तो है ना? मैं क्या अस्पताल से आ रही हूँ, हर कोई ये सवाल किए जा रहा कैसी है कैसी है कैसी है। तू अभी तक तमीज तहजीब से नहीं जुड़ी है, दुपट्टा नहीं टिकता तेरे सर पे, जाकर चाय बना के लेकर ला रही हूँ। एक कुआं है एक खाई। आप मेरी अम्मी को खाई कह रहे? नहीं
कुआं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे मुंह ना लगना, तेरा बेटा गर्दामाद है। निकालो इसको घर से। किसी एक की साइड लेने से बेहतर है कि आप दोनों ही कुर्बानी दे दें। मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।